कॉलर ऑफ द वीक ने यही एक सलाह सिद्धार्थ शुक्ला को देनी चाहिए। कौन सी है वो सलाह, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं हूं मंदार और आप देख रहे हैं एक्ट राइडर्स। अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे हर तरफ लोग यही बात कर रहे हैं कि आज वहां पर होने वाली है वीकेंड के वार का शूट और वहां पर कॉलर ऑफ द वीक का कॉल आएगा। और जो भी घर में अभी चल रहा है आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच जो तनातनी का माहौल है, इसका ठंडा करने का काम सिर्फ एक ही लड़की वहां पे कर रही है, वो भी हिमांशी। बाकी लोग तो उसमें जा ही नहीं रहे जो ऑपोजिट टीम के हैं, और जो इनके टीम के जो बंदे हैं यानी आरती हो सना हो, तो इनको ये सॉल्व करना चाहिए, तो ये इसमें घी डाल रहे हैं, यानी आग में ये घी डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर लोग जो सोशल मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि कॉलर ऑफ द वीक ने सिद्धार्थ शुक्ला को ये बात बतानी चाहिए, आसिम रियाज को ये बात बतानी चाहिए कि आपका जो घर में चल रहा है, आप दोनों को बाहर बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, आप दोनों की जोड़ी सबसे ज्यादा पॉपुलर जोड़ी है और लोगों को यही देखना पसंद है, और आप दोनों की जगह पर बराबर है, लेकिन आपके दोनों में जो दरार आ गई है इसमें घी डालने का काम वहां पर आरती सिंह और कुछ हद तक सना भी कर रही है, और आपको इनसे संभलना चाहिए। ऐसा एक सलाह वहां पर जानी चाहिए कॉलर ऑफ द वीक की तरफ से, ऐसा सोशल मीडिया पे हर जगह लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ऐसा कॉलर ऑफ द वीक चाहिए जो इन दोनों को एक अच्छी सलाह दे और इन दोनों में जो भी तनातनी का माहौल है ये खत्म हो जाए। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थोड़ी देर में वहां पर शूट शुरू होने वाला है, साथ ही फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये जो फाइनल वोटिंग ट्रेंड्स है ये बड़े शॉकिंग वोटिंग ट्रेंड्स है और हो सकता है कि इनका एविक्शन भी हो जाए। क्या है ये सब चीजें आने वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो फिलहाल जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे एक्ट राइडर से, बड़ी बड़ी न्यूज आपके पास लेकर ही आ रहा हूं। धन्यवाद।